Hello everyone, welcome back to my channel Kitchen to the Table. I'm your host Riya Roy. और आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, Now we are 1K family. एक छोटी सी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ. Thanks to you all for your love and support. और आज मैं बनाने वाली हूँ Kids Study Cake, जो कि 2 layers का केक बनाएंगे हम लोग. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है. इसके लिए मैंने यहाँ पे डबल बॉयलर का इस्तेमाल किया है. नीचे आपको एक पतीला रखना है जिसमें पानी उबल रहा हो और ऊपर इस तरह से बोल रख के हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है. ध्यान रहे कि नीचे जिस बोल में पानी है वो ऊपर के बोल से टच ना हो पाए. तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है इस तरह का पतीला, कढ़ाई या प्रेशर कुकर जिसमें मैंने रेगुलर सॉल्ट डाला है और एक स्टैंड यहाँ पे प्लेस कर दिया मैंने. इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लेंगे. यहाँ पे मैंने केक मोल्ड ले लिया है जिसमें मैंने बटर पेपर प्लेस कर दिया और इसमें हमें अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लेना है. इसे साइड्स में भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है हमें. ग्रीस करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैदा ऑल पर्पज फ्लावर से थोड़ा सा डस्ट कर रही हूँ. इससे केक का बेस बहुत आसानी से निकल जाएगा. तो यहाँ पे हमने मोल्ड को बिल्कुल तैयार कर लिया और अब डालेंगे इसमें मेल्टेड चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके रखा था. चॉकलेट अगर ठंडा हो जाए तो इसे थोड़ा सा फिर से आप डबल बॉयलर की मदद से गर्म कर लीजिए. अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क. इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम. और यहाँ पे आप डालेंगे हम 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल. इसे मिक्स कर लेंगे. और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/4 कप कर्ड दही. इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे. इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं होने चाहिए. यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज लेमन जूस. इससे केक का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और लाइट बनेगा. फिर से मिला देंगे अच्छी तरह से. ये जो केक हम बनाने वाले हैं ये एक बर्थडे बॉय का केक है. इस केक में मैं 2 लेयर का केक बनाऊंगी. पहला होगा चॉकलेट और दूसरा वनीला. इसे मिलाने के बाद अब यहाँ पे हमें ऐड करना है 1 कप मैदा ऑल पर्पज फ्लावर, 1/4 कप पाउडर्ड शुगर पिसी हुई चीनी और अब डालेंगे यहाँ पे कोकोआ पाउडर 2 टेबलस्पून. मैं यहाँ पे अनस्वीटेंड यूज़ कर रही हूँ. और डालेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा. इसे हमें अच्छी तरह से छान के इस बोल में ट्रांसफ़र करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे. और अब इसे जेंटली अच्छी तरह से धीरे धीरे मिला लेना है हमें. और अब यहाँ पे हमें डालना है 2-3 टेबल स्पून मिल्क जो कि रूम टेम्परेचर में होना चाहिए. और हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, इसमें कोई लम्प्स ना रहे. बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3-4 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस. और अब इसे हम एक फाइनल मिक्स दे देंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहनी चाहिए. तो यहाँ पे हमारा चॉकलेट केक का बैटर बिल्कुल तैयार है. इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे मोल्ड में जिसे हमने तैयार करके रखा था. और अब इस केक मोल्ड को हमें थोड़ा थोड़ा टैप करना है ताकि जो एयर बबल्स इसमें बने वो रिमूव हो जाए. तो यहाँ पे हमारा होममेड ओवन बिल्कुल तैयार है प्री हीट होके. तो इसमें हमने केक मोल्ड को प्लेस कर दिया है और अब इसे ढक देंगे हम. इसे हमें बेक करना है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और फिर हमें रख देना है लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए. तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अब हम एक बार चेक कर लेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्यूअर बिल्कुल क्लीन निकला है. केक हमारा तैयार है और अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है. और अब हम चलते हैं वनीला केक बनाने की तरफ. तो यहाँ पे मैंने लिया 1 कप पाउडर शुगर पिसी हुई चीनी. इसे हम छान लेंगे. जब तक चॉकलेट केक ठंडा होगा तब तक हम केक का सेकेंड लेयर बना लेंगे. और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल. और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. डोंट वरी अगर इस मोमेंट में आपके लम्प्स बन रहे वो बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा. यहाँ पे दूंगी मैं 1 कप मैदा. फिर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा,
1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, नमक, और फिर से हमें यहाँ पे डालना है 1/4 कप ऑयल। अब इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पे हमें डालना है 1/2 कप मिल्क, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए मिल्क, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे आपको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। मेरी और केक रेसिपीज के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना स्मूथ हो चुका है। अब जाएगा यहाँ पे 3-4 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस, और अब बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमारा वेनिला केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हमें यहाँ पे फिर से मोल्ड को उसी तरह से तैयार कर लेना है। बटर पेपर प्लेस करके हमें उसी तरह से ऑयल ग्रीस कर लेना है, और फिर से हमें थोड़ा सा मैदा छिड़क लेना है इसमें। एक्स्ट्रा मैदा हम रिमूव कर देंगे, और अब इस बैटर को हमें केक मोल्ड में ट्रांसफर कर देना है। फिर से हमें मोल्ड को टैप कर लेना है ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहे। तो यहाँ पे हमारा होममेड ओवन बिल्कुल तैयार है प्रीहीट होके, और अब हमें इसके अंदर प्लेस कर देना है केक मोल्ड को। इसे कवर करके हमें 30-40 मिनट्स तक इसे लो फ्लेम पे बेक होने देना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा फॉन्डेंट केक को डेकोरेट करने के लिए। इस फॉन्डेंट की मदद से हम एक छोटा सा टेडी बनाने वाले हैं, तो आप यहाँ पे फॉलो करते जाएं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। सबसे पहले इसका बॉडी में शेप दे रही हूँ, जो कि मैंने येलो फॉन्डेंट लिया है, और अब इस तरह से रोल करके मैं यहाँ पे इसके पैर बनाने वाली हूँ। अगर आपका फॉन्डेंट हार्ड है तो इसे आप थोड़ा सा टैलूस पाउडर से इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। टैलूस पाउडर आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, और अब इसे हम हाफ कट कर लेंगे इस तरह से। और आप देखते जाइए जिस प्रोसेस से मैं इसे प्लेस कर रही हूँ, और मैं बना रही हूँ अब इसके हाथ। मैंने यहाँ पे इस फॉन्डेंट टेडी को बनाने के लिए किसी टूल का इस्तेमाल नहीं किया है, ये मैंने बस हाथों से ही बनाया है। आप देखिए, इसे हमें इस तरह से प्लेस करना है, और अब इसके बीचों बीच में एक छोटा सा टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ। अब हम बना लेंगे इसका हेड, और अब इसे प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम ईयर्स बना रहे हैं, आप देखिए। बस आपको ये प्रोसीड्योर फॉलो करना है, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हमें अच्छा सा एक ईयर का शेप दे देना है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा यूज करूंगी व्हाइट फॉन्डेंट। अगर आपको इस फॉन्डेंट को चिपकाने में थोड़ी सी मुश्किल आए तो आप थोड़ा सा शुगर सिरप का इस्तेमाल करके भी इसे चिपका सकते हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी व्हाइट फॉन्डेंट लगाऊंगी ताकि ये सुंदर दिखे इसका कान। आप बस प्रोसीड्योर देखिए, फॉलो कीजिए जिस तरह से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, बस हाथों की मदद से। अब मैं यहाँ पे एक टूथपिक की मदद से इसके पैरों में इस तरह से डिजाइन बना ले रही हूँ। ये बहुत ही इजी है, बस आपको ये प्रोसीड्योर फॉलो करना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे बना दिया मैंने छोटा सा टेडी का क्यूट सा नोज, और अब मैं टेडी की आंखें बना रही हूँ। इस फॉन्डेंट में मैंने थोड़ा सा कोकोआ पाउडर मिक्स कर दिया था सो दैट मैं टेडी की आईज बना पाऊँ, और अब बस टेडी की आंखें भी बन गई। कितना क्यूट सा लग रहा है ना, और भी क्यूट लगेगा क्योंकि अब हम देंगे इसमें एक स्माइली, इसे एक बो भी बना देंगे। और अब देखिए यहाँ पे हमारा टेडी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने व्हाइट फॉन्डेंट को रोल कर दिया है, बहुत ही अच्छे से इसे बेल लिया था मैंने, एक पतला सा शीट तैयार कर लिया है, और अब इसके साइड्स में कट कर लूंगी इस तरह से। मुझे जिस तरह का शेप चाहिए इसीलिए मैं इसे हाफ में कट कर रही हूँ। ये देखिए, बस इतना ही चाहिए हमें। तो अब देखिए मैंने साइड्स में इसे इस तरह से डिजाइन दे दिया है कट करके, और अब यहाँ पे मैं फॉन्डेंट की मदद से बना रही हूँ 1, क्योंकि हमारा बर्थडे बॉय यहाँ पे 1 ईयर का हो चुका है। इसमें हम एक स्क्यूअर इंसर्ट कर देंगे ताकि इसका शेप नहीं बिगड़े और ये फॉन्डेंट अपनी शेप में ही बना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोई टूल का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, और अब मैं एक टूथपिक की मदद से इसमें इस तरह से डिजाइन बना रही हूँ। तो 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल बनके तैयार है, और अब हम चलेंगे केक की लेयरिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमारा चॉकलेट केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर निकाल देंगे इसका,
आप देख सकते हैं केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इसे हम हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट केक को हाफ में डिवाइड कर लिया। अब चेक कर लेंगे तब तक हमारा वनीला केक। आप देख सकते हैं वनीला केक हमारा तैयार है बिल्कुल। स्क्यूअर हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है और आप देख सकते हैं कितना डबल हो चुका है अपनी साइज से। इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक वनीला केक हमारा ठंडा होगा तब तक हम यहाँ पे क्रीम व्हीप कर लेंगे। ले लिया है यहाँ पे 1 कप व्हीपिंग पाउडर और हमें यहाँ पे चाहिए 1 कप चिल्ड मिल्क। ध्यान रहे यहाँ पे मिल्क बहुत ही ठंडा होना चाहिए। और अब इसे हमें अच्छी तरह से व्हीप कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे व्हीपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे व्हीपिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे डालेंगे हम 1/2 कप पाउडर शुगर, पिसी हुई चीनी। इसे हमें व्हीप करते करते ही डालना है। थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे ऐड करते जाना है शुगर को। क्रीम को यहाँ पे हमें बहुत ही हाई स्पीड पे व्हीप करना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो यहाँ पे हमारा क्रीम बिल्कुल तैयार हो चुका है और यहाँ पे हमें एक केक बोर्ड में थोड़ा सा हमें अप्लाई करना है क्रीम ताकि ये अपने प्लेस पे रहे केक। चॉकलेट केक का 1/2 यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है। केक पे थोड़ा सा शुगर सिरप मैंने अप्लाई कर लिया था और अब मैं यहाँ पे डाल रही व्हिप्ड क्रीम। इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे और अब मैंने यहाँ पे लेयर कर दिया इसका 2nd हाफ। इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से व्हिप्ड क्रीम अप्लाई कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा नीट शेप देने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें रिमूव कर देना है। और यहाँ पे मैंने वेनिला केक को भी वैसे ही हाफ में कट कर लिया था, इसका 1/2 मैंने यहाँ पे प्लेस करके इसमें भी क्रीम लगाना है हमें। व्हिप्ड क्रीम अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से स्प्रिंकल्स ताकि बीच में केक खाते वक्त बहुत ही अच्छा सा क्रंच आए स्प्रिंकल्स का। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं आप। और अब हमें फाइनल लेयर डाल के इसमें फाइनली इसे हमें व्हिप्ड क्रीम से कवर कर देना है। और अब यहाँ पे हमें स्प्रिंकल्स डाल देने हैं क्योंकि यहाँ पे बर्थडे बॉय था इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। साइड्स में भी हम स्प्रिंकल्स दे देंगे। और अब यहाँ पे मैं किटकैट का इस्तेमाल कर रही हूँ साइड्स में थोड़ा सा गैप देते हुए क्योंकि यहाँ पे क्रीम का इस्तेमाल हुआ था इसलिए किटकैट बहुत ही आसानी से यहाँ पे चिपक जाएंगे। और यहाँ पे इसे मैंने एक लुक देने के लिए रिबन से टाई कर दिया। यहाँ पे हम लगा देंगे फोंडेंट शीट जो हमने कट करके रखा था और डाल देंगे छोटा सा वो टेडी जो हमने बना के रखा था। थोड़ा सा मैंने क्रीम अप्लाई किया था पीछे ताकि वो स्टेबल रहे। और मैं यहाँ पे दे रही हूँ फोंडेंट की मदद से बर्थडे बॉय का नाम। थोड़ा सा शुगर सिरप अप्लाई करते हुए ताकि वो प्लेस पे रहे। तो यहाँ पे तैयार है बिल्कुल हमारा किड्स टेडी केक। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, बस थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है आपको बनाने में। मैंने यहाँ पे 2 लेयर बनाया था, एक चॉकलेट और दूसरा वनीला। आप चाहे तो सेम फ्लेवर के भी बना सकते हैं दोनों लेयर्स। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो प्लीज़ लाइक करके जाना। और कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल किचन टू द टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।